बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू होम किचन। आज जो रेसिपी हम लेकर आए हैं वो बहुत टेस्टी है, बच्चों की और बड़ों की सबकी फेवरेट है। बच्चों की तो स्पेशली बहुत फेवरेट रेसिपी है। हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा फ्राइज, जिसके लिए हमने 3 बड़े आलू ले लिए हैं, उसको फ्राइज की तरह कटिंग कर लिया है और पानी में डाल के रख दिया है। थोड़ी सी हमने चिकन ले ली, उसको छोटे क्यूब्स में काट लिया है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। आधी हमने लिए शिमला मिर्च और एक छोटी सी प्याज को भी हमने क्यूब्स कर लिया है, ये हम टॉपिंग में डालेंगे। इसी तरह हमने ओरिगानो ले लिया, ये भी हमारा टॉपिंग में जाएगा। और कॉर्नफ्लावर लिया है 3 बड़े चमचे, इसको हम आलू का पानी निकाल के और आलू पे लगाएंगे ताकि हमारे फ्राइज जो है वो क्रिस्पी बने। अब चिकन की जो मैरिनेशन हम डालेंगे उसमें हमने लिया है 1 चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चमचा लिया है हमने टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का मसाला। अगर ये नहीं है तो आप लाल मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यही डालेंगे ताकि हमारा टिक्का फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। 1 छोटा चमचा हमने नमक लिया है जो कि हम कॉर्नफ्लावर में मिक्स करेंगे, और 1 बड़ा चमचा लिया है हमने दही, इसको हम डालेंगे चिकन में। अब पहले चिकन मेरीनेट कर लेते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनाने के लिए रख दी है, आइंदा जब हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो उसकी रेसिपी भी हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत इजी है बनाना। और इसमें दही, इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे जब तक हमारी पिज़्ज़ा सॉस तैयार हो जाएगी और चिकन हमारा अच्छे से मेरीनेट भी हो जाएगा। ये देखें चिकन को मसाला लग चुका है, इसको मैं साइड कर दूंगी, फ्रिज में नहीं रखना, सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको बाहर ही रखना है। फिर इसको 1 चम्मच ऑयल में कुक कर लेना है। अब ये जो हमने फ्राइज थी ये हमने छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल दिया है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक कॉर्नफ्लावर में, और इसको मिक्स करने के बाद हम सारा डाल देंगे अपनी फ्राइज में। बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बनती हैं और कबीर की मोस्ट फेवरेट हैं, इब्राहिम भी बहुत पसंद करता है लेकिन वो थोड़ा सा बिना कॉर्नफ्लावर के ही खाता है, इसलिए हम कबीर की तो बहुत पसंदीदा हैं। टी टाइम में ही बना रहे हैं हम ये चीज़, तो बच्चे ज़रा शौक से खा लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, फिर हम फ्राइज को तलेंगे। ये देखें सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़ेदार बनी है। इसकी भी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। और ये भी हमारा रेडी है, चिकन भी और फ्राइज़ भी हमारे रेडी हैं। अब मैं फ्राइज़ को फ्राई करूंगी और चेडर और मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस करके रख लूँगी, फिर हम प्लेटर तैयार करके आपको दिखाते हैं कि हम कैसे तैयार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया और तेज़ में ही डालना है इसको, थोड़ा नीचे हाथ से, मेरे हाथ से एकदम स्लिप हो गया था ये, और तेज़ आंच पे ही इनको फ्राई कर लेना है। ये देखें बहुत तेज़ी में माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी फ्राई हो रही हैं ये, और बस झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जब कुछ खाने को भी दिल ना चाहे तो फ़ौरन से ये बना लें और सब खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ये देखें फ्राइज हमारी बहुत क्रिस्पी सी, बहुत मज़ेदार सी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको प्लेटर में निकालेंगे, फिर असेंबल करके दिखाएंगे पूरा प्लेटर। ये देखें चीज़ भी हमने कटिंग कर ली है, मोज़रेला और चैटर चीज़ इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइसिस में कर लिया है हमने। फ्राइज़ रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब हम इसको असेंबल करेंगे। किसी भी आप बड़ा सा प्लेटर ले लें। तो पहले हम फ्राइज़ की लेयर लगाएंगे एक। अब हमने
मसालेदार सी चिकन डालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में, और हमें सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक ज़रूर करें। अब हम क्या करेंगे, इसमें चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला एक चुटकी जितना, और पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस सारी जगह। केचप हमने इसी में ऐड कर लिया था इसलिए हमें केचप की ज़रूरत नहीं है। और मेयोनीज डालेंगे हम इसमें। अब इसमें जो हमने ये डाली थी चॉप कीवी, थोड़ी सी कैप्सिकम, चीज़, मोज़रेला, अब हम इस पर थोड़ा सा ओरिगानो डाल देंगे, थोड़ा ही डालना है, बहुत शार्प फ्लेवर होता है इसका। और इस पर थोड़ा सा जाएगा मेयोनीज़। ये हमारी हो गई है वन लेयर, सेकंड भी इसी। अब है सेकंड, बहुत मज़ेदार गरम सी फ्राइज़ हो रही हैं, इसको पूरा कवर कर देंगे हम फ्राइज से। और हम इसको लगाएंगे माइक्रो में 2 से 4 सेकंड के लिए। ये सारी फ्राइज आ गई हैं। अगेन हम इस पर डालेंगे पहले चाट मसाला, बहुत मज़ेदार वाला है चाट मसाला हमारा, और चिकन, अच्छा आप चाहें तो चिकन को रेशा भी कर सकते हैं और चाहें तो ना भी लें। अगर बच्चे पसंद ना करें इतना स्पाइसी चिकन तो आप इसको स्किप कर दें। अब इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस जाएगा, सारा ही ले लेना है हमने। शिमला मिर्च और प्याज की टॉपिंग, बहुत लोडेड फ्राइज हैं ये। ओरिगानो एक छोटे चमचे जितना भी मैंने इसमें नहीं डाला है। और इसमें जाएगा मेयोनीज, अगेन इसमें लास्ट टॉपिंग होगी इसमें चीज़ की। ये देखें, ये हमारा पूरा प्लेटर रेडी है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए माइक्रो में रखेंगे, चीज़ हमारी मेल्ट हो जाएगी, तो हमारे ये पिज़्ज़ा फ्राइज रेडी हैं। अब हम इसको रख के फिर आपको दिखाते हैं डिश आउट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी पिज़्ज़ा फ्राइज रेडी है, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा है। और मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें।